सूरजपुर जिला के विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो जाति वर्ग के उम्मीदवारों ने 39 पदभार परिचालक भृत्य चौकीदार क्लीनर की सीधी नियुक्ति करना था, जिसमें सहायक आयुक्त की मनमानी तरीके से 60-70% वालों को छोड़कर कम परसेंट वालों को नियुक्ति कर दी गई, जिसके विरोध में पंडो समाज के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद कुमार पंडो और प्रांतीय सचिव देवचंद राम पंडो के नेतृत्व में कलेक्टर सूरजपुर को ज्ञापन सौंप कर जांच कर नियुक्ति प्रक्रिया की योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करने की मांग की गई है। वहीं पंडो समाज के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद कुमार पंडो ने कहा कि सहायक आयुक्त सूरजपुर ने 40-45% वालों का नियुक्ति कर दी गई है, जबकि 60-70% वालों की नियुक्ति नहीं की गई है। तो वहीं पंडो समाज ने धरना प्रदर्शन किया और आंदोलन कर मुख्यमंत्री के पास शिकायत लेकर पहुंचे। क्या नाम है आपका? मेरा सर नितेश कुमार। आज कलेक्टर कार्यालय में आप लोग उपस्थित हैं, किस विषय को लेकर? सर इसमें विशेष बात की, सर कम पैसे का ले रहे हैं और मेरा 80% सर, इसके अनुसार से मैं वापस किया था। सर आपका 80% है, आपसे कम परसेंट वाले का नियुक्ति हो रही है, हो गया है या हो रहा है? और है सर, हो गया है, हो गया, हो गया है। आदेश जारी, आदेश जारी हो गया, आदेश जारी हो गया सर। इसके आधार पर मैं यदि उचित कार्रवाई नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे? धरना पर मामला हाईकोर्ट समाज के प्रांतीय सचिव आज ये कलेक्टर कार्यालय में आप लोग आए, किस उद्देश्य से मामला? यहाँ दो तरह की बातें हैं, अभी तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के बहुत सारे पदे कलेक्टर पदे यहाँ पे किया गया है, नियुक्ति की गई है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो उसका ग्रेडिंग बनाए थे, वरिष्ठता सूची बनाया गया था, जिसमें ऊपर में ऊपर वालों को छोड़ करके नीचे जिनका 52% था या कम था, बहुत सारे जो नीचे हैं उन लोगों को लिया गया है। हमारे बहुत सारे आवेदकगण लोग हैं, उन लोगों ने शिकायत किया हम लोगों को कि सर हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि हम तो किसी का नहीं चाहते कि किसी का अन्याय हो, लेकिन उनके साथ जो वरिष्ठता है उस आधार पे नहीं किया गया। इस बात को लेकर के यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, इसका कलेक्टर महोदया से न्यायिक जाँच कराया जाए, जाँच पड़ताल करके सही व्यक्ति का चुनाव, उसमें सही व्यक्ति का चयन करके उसकी नियुक्ति प्रदान की जाए। इस बात को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे हमारे पंडो समाज के अभ्यर्थीगण और हमारे समाज में समाज प्रमुख यहाँ पे उपस्थित हैं। जी ये मेरा है सर कैंडिडेट, इसका सर विकलांग है सर, बोल नहीं पाता है सर, तो इसका सर जो नियुक्ति हुआ है उनसे इनका सर 80% है, 62% है, तो वैसे सर समय सर बात किया था कि मैं चाहता हूँ कि विकलांग 70% उत्तर दिया जाए, लेकिन इसी सर चर्चा के बाद बोले कि सर नहीं ले पाएंगे, इनसे कम परसेंट वाले को लिया गया। जी जी, इनके कम परसेंट वाले को लिया गया था, 92% में इसमें देखा हूँ, जैसे 52% आप लोग बोले कि नियुक्ति हो रहा है, कुछ लोग का कुछ लोग कहना कि हो गया है, नियुक्ति सर हो गया, हो गया नियुक्ति, आदेश किसी के पास है उपलब्ध है? अभी है जिनको मिला सर, वो तो यहाँ से चल दिए हैं, अभी तो लोग नहीं। तो ये कहाँ पढ़े हैं? ये विद्यालय सर विश्रामपुर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार पंडो है, मैं पंडो समाज का प्रदेशाध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ का। आज आप लोग कलेक्टर कार्यालय सूरजपुर में उपस्थित हैं, किस विषय को लेके हैं? मैं हम लोग सभी समाज के लोग इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा हमें योग्यता अनुसार नौकरी दिया जा रहा है, उसमें अनियमितता बरती गई है सहायक आयुक्त के द्वारा, कम परसेंट वाला को नौकरी दिया गया है और ज़्यादा परसेंट वाला को निकाल दिया गया है, और सत्यापन जब हुआ उस समय जो है कि ज़्यादा चयन समिति के द्वारा उनका नाम ही नहीं था और उनका नियुक्ति कर दिया गया। इसमें हम लोग को बहुत दुख की बात है, समाज के लोग पढ़े लिखे हैं जो कि 80% से हैं, 90% भी हैं, 75% भी हैं, उनका नियुक्ति नहीं हो रहा है, और जो है कि 62% का नियुक्ति हो रहा है 64% का, ये खेदजनक बात है। और पहली बात तो ये है कि हमारे समाज के अंदर जो समिति बना है, यहाँ चयन समिति बना
उस समिति में हमारे पंडुक समाज का किसी भी व्यक्ति को समिति में नहीं रखा गया। और सरगुजा जिला, बलरामपुर जिला, रायगढ़, कोरबा, हर जगह समिति में पंडुकों को रखा गया था समिति के अंदर, लेकिन सूरजपुर जिला में नहीं रखा गया। ये खेदजनक बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें उम्र के आधार पर जिनका उम्र भी है, हम लोग को विशेष जाति लोगों को 45 साल उम्र सरकार ने दिया है। सामान्य प्रशासन समिति का जो है कि लेटर भी है हमारे पास, उसमें कहते हैं कि 40 वर्ष जो है कि इनका वायु रहेगा नौकरी के लिए, वो भी खेदजनक बात है। कौन बोलता है 40 वर्ष रहेगा? यहाँ के अधिकारी लोग बोलते हैं। अधिकारी कौन से अधिकारी? सहायक आयुक्त बोलता है। अब कम उम्र है, ज़्यादा उम्र है। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सही निर्णय हो और सही आधार पर नौकरी लगे। जिनका उम्र कम है उनको तो भाई अलग बात है, और जिनके पात्रता है, जो नौकरी के पात्रता है, उनको नौकरी दिया जाए। और मेरा कहना है जो पात्र के योग है, वो जिसका उम्र 45 साल है, उसको नौकरी दिया जाए। यदि आप लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है, कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, तो क्या करेंगे आगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन के बाद अगर नहीं होता है हमारा, तो हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट में नहीं होता है तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। आंदोलन, फिर आंदोलन होगा हमारा।